पूर्वोत्तर रेलवे ने 7 जुलाई को पीएम नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को देखते हुए तैयारियां शुरू कर दी हैं। आपको बता दें कि 7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गोरखपुर आएंगे। वह गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे, जिसके लिए रेलवे ने गोरखपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 1 को ब्लॉक कर दिया है। प्लेटफार्म नंबर 1 पर आने वाली ट्रेन को दूसरे प्लेटफार्म से चलाया जा रहा है। पूरा प्लेटफार्म की पटरियों को पेंट किया जा रहा है। इसके अलावा पीएम के बैठने के लिए मंच तैयार हो रहा है। पीएम सुरक्षा में लगे एसपीजी की टीम ने निरीक्षण किया है और आयोजकों को बताया है कि पीएम के मंच की मानक क्या होनी चाहिए और जो पंडाल में कपड़े लगाए जा रहे हैं पूरी तरह से तिरंगे के कपड़े हैं, जिसकी तैयारियों को लेकर उत्तर प्रदेश के डीजीपी व प्रमुख सचिव गृह ने संबंधित अधिकारियों के साथ निरीक्षण किया था, जिसको लेकर पूर्वोत्तर रेलवे ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे के सीपीआरओ पंकज कुमार सिंह ने कहा, चेंज किया गया है, कुछ टैग रिलेटेड मेंटेनेंस वर्क चल रहा था जिसके कारण इसको चेंज किया गया। कब तक रहेगा इसके बारे में बताया जाएगा। क्या कुछ तैयारी की जा रही है? तैयारियां जैसा कि मैंने बताया कि वंदे भारत एक्सप्रेस की रेक आ चुकी है गोरखपुर। तक उनका क्या परिवर्तन कर दिया गया? हाँ, परिचालनिक सुगमता को देखते हुए इसमें कुछ चेंजेस किए गए हैं। एक नंबर प्लेटफॉर्म पे जो आने वाली ट्रेनें हैं उनकी बर्थिंग 3 जुलाई से चेंज की गई है, तो उसका पूरा डिटेल हम लोगों ने मीडिया के थ्रू शेयर किया है कि कौन सी ट्रेन किस प्लेटफॉर्म से संचालित होगी, जो पहले एक नंबर प्लेटफॉर्म से संचालित होती है। इसको अगले आदेश के लिए किया गया है, इस संबंध में फर्दर फिर से सूचना जारी करेंगे।